K.A. अब्बास वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। चलचित्र प्रदर्शन भी वाक और अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। K.A. अब्बास बनाम भारत संघ का मामला इस विषय का पहला मामला है, जिसमें यह प्रश्न कि क्या अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत चलचित्रों पर पूर्व अवरोध यानी प्री सेंसरशिप लगाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। इस मामले में चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 5(2) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। धारा 5(2) केंद्रीय सरकार को चलचित्रों के प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे सिद्धांतों को विहित करने का प्राधिकार देती है जिसे वह उचित समझे। इस अधिनियम के अधीन चलचित्रों को प्रदर्शन के पहले फिल्म सेंसर बोर्ड के समक्ष अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजना पड़ता है। पिटिशनर ने कहा कि उक्त अधिनियम अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई वाक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्र पर अतिक्रमण करता है, क्योंकि अन्य अभिव्यक्ति के साधनों पर ऐसा निर्बंधन नहीं लगाया गया है। चलचित्रों का प्रभाव अभिव्यक्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा मनुष्य पर तुरंत पड़ता है और विशेषकर नवयुवकों पर। उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि चलचित्रों पर पूर्व अवरोध अनुच्छेद 19(1)(क) और (ख) के अधीन संवैधानिक है। चलचित्रों के निर्माण एवं प्रदर्शन पर पूर्व अवरोध लोकहित में है। अमेरिका में चलचित्रों पर पूर्व अवरोध को संवैधानिक माना गया है।